स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिरहा नेटवर्क्स पे दोस्तों आज हम बात करेंगे आ, कुछ ऐसी नई सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सी पोर्टल पे लॉन्च किए जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आ, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं हाँ जी हाँ बिल्कुल जैसे आज से पहले हुआ करता था कि हम लोग हम लोगों को कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती पर, थी हम लोग जैसे सरकारी नौकरी डॉट कॉम नौकरी डॉट कॉम उन पर अपना हम रिज्यूम अपलोड करते थे तो वो लोग हमारा रेज़्यूमर डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कंपनीज़ में पोस्ट करते थे वो मतलब एज ए मिडल मैन का काम करते थे वो जब वो उनको उस कैटेगरी की कोई जॉब मिलती थी वो हमसे पेमेंट लेके तो हमें वो जॉब दिलाते थे तो इन सब चीज़ों से दूर होने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूट लेवल पर पहुँच रही है गाँव गाँव पहुँच रही है गरीब गरीब लोगों तक लोगों तक पहुँच रही है जिनका कोई सोर्स uh, नहीं है प्राइवेट uh, जॉब्स लेने का या कोई भी जैसे रिक्रूटमेंट एजेंसी को रिक्रूट करती है नॉर्मल जॉब्स तो वो नहीं पहुँच पाते तो उन चीज़ों से वो महरूम रहते हैं तो ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद द कोलेब्रेशन ऑफ सी पोर्टल उन्होंने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया जिस पे आप uh, अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं स्विंग मशीन ऑपरेटर से लेके स्वीपर्स बार्बर डेटा इंट्री ऑपरेटर इंश्योरेंस एट सेक्ट्रा मैं सब कुछ दिखाऊंगा पूरी वीडियो में बहुत सारी जॉब्स हैं इसमें आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हो और कुछ जो करंट ओपनिंग्स उसका अलग से लिंक दिया हुआ कर जो अभी अभी जो करंट ओपनिंग्स हैं लड़कियों के लिए लड़कों के लिए जो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं स्किल्ड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जी बने रहिए पूरी वीडियो एंड तक देखिए मैं सब चीज़ इसमें डिस्कस करूँगा आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेलाइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली सभी जो मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ डालूंगा आप सब तक सबसे पहले पहुंचे ठीक है डिजिटल सेवा पोर्टल आपके सामने पोर्टल खुला हुआ मैं लॉग इन करूँगा इस पर ठीक है जी मेरा ऑलरेडी पासवर्ड पड़ा हुआ तो इसलिए इसने मेरे से मांगा नहीं हम सीधा सर्विस पे जाएंगे सर्विस पर जाके जाके हम इधर सर्च करेंगे ग्रामीण ग्रामीण नौकरी ये सी का पोर्टल है बिल्कुल यूनिक है जनाब ये कुछ ऐसा दिखता है जब हम इस पर इसके होम पेज पर जाते हैं बहुत सारी जॉब्स इसके अंदर आ रही हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब बिल्कुल फ्री में ये सर्विस प्रोवाइड हो रही है ग्रॉस रूट, रूट लेवल तक पहुंचा जा रहा है गांव गांव पहुंचा जा रहा है मिशन बहुत अच्छा पोर्टल है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा मिशन है जो विलेज लेवल से लोगों को अवेयर कर रहे हैं बैंक में नौकरियाँ मिल रही हैं ऑफिस मिल रहे हैं प्राइवेट कंपनीज में मिल रही हैं होटल्स में मिल रही हैं स्विंग मशीन जहाँ पे इनकी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं कपड़ों बनने की वहाँ पे मिल रही हैं हम जस्ट इधर से अपना हमने एज ए जैसे रिज्यूमर अपलोड करता है यहाँ पे पूरा फॉर्म वैसे खुला होता है मैं वो फ़िलअप करना है तो सी एस सी के पोर्टल के जरिए वो पूरा थ्रू आउट इंडिया हर एक लोकेशन पर पहुँचेगी तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपकी जो आपने चॉइस सेलेक्ट की हुई होगी अपनी अपनी स्टेट के अंदर आप जॉब चाहते हैं या बाहर भी जा सकते हैं तो उस हिसाब से आपको वो जॉब लेटर ऑफ़र लेटर मिलेगा फिर आप अपनी चॉइस से वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि अब आपको ज्वाइन करनी है या नहीं ज्वाइन करनी ठीक है।, है हम आगे बढ़ेंगे इसके हिसाब से ये कुछ इसका होम पेज ऐसा दिखता है जो अभी करंट जॉब जो अभी जो जॉब्स हैं करंट ओपनिंग है जॉब की वो ये हैं रिटेल सेल्स एसोसिएट ठीक है इसकी एज इसकी एज लिमिट है अट्ठारह साल से तीस साल तक कोई भी अप्लाई कर सकता है इसकी सैलरी जो है रेंज है वो ग्यारह हज़ार से साढ़े बारह हज़ार तक है वो आपकी स्किल के स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है आपकी जो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा उसके हिसाब से आपकी सैलरी फिक्स हो जाएगी तो उसमें आपको मिलेगी मिनिमम अलेवन थाउजेंड होगी तो मैक्सिमम ट्थ थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड होगी होगी ठीक है जॉब लोकेशन टायर ता, टू और टायर थ्री सिटीज उसमें सब मेंशन होगा जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें सब कुछ दिखेगा कि आपको कौन कौन सी सिटीज़ प्रेफर करनी है कौन सी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन टेंथ और ट्वेल्थ मतलब दसवीं बारहवीं वाला भी अप्लाई कर सकता है जो अब सेकंड में आ गया असिस्टेंट डिफरेंट फार्मेसी जहाँ पे जहाँ पे मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती है वहाँ पे इनके फैक्ट्रीज के प्लांट में वहाँ पे चाहिए होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं जैसे जिन्होंने बी फार्मेसी की होती है डी फार्मेसी की होती है एक्सपीरियंस फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो और एक साल तक एक्सपीरियंस आपके ऊपर डिपेंड है उसके हिसाब से आपकी सैलरी फिक्स होगी एज़ पर योर एक्सपीरियंस ट्वेल्थ थर्सेंट से सैलरी पैकेज शुरू होता है फ्रेशर्स के लिए और अप टू ट्वेंटी तक जाता है ठीक है अब थर्ड ओपनिंग जो है स्विंग मशीन ऑपरेटर कोई भी हमारी जो भी आ, विलेज में गाँव में बहुत सारी जो लड़कियाँ आजकल नौजवान लड़कियाँ हैं सब ने सिलाई मशीन का काम तो सीखा ही होता है उनके पास सर्टिफिकेट्स भी होते हैं आजकल जो हैंडी डिपार्टमेंट को सर्टिफिकेट्स भी देते हैं वो भी उनके पास होंगे और उनके पास अपनी नॉलेज भी है बहुत अच्छे से वो सिलाई करती हैं तो जब आ, उनको इधर अप्लाई करना चाहिए आपके नियरेस्ट आहिता आहता गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट केंद्र खोल रही है सिलाई मशीन की आस्ते आस्ते छोटे मोटे प्लांट लगेंगे हर अपनी अपनी स्टेट में वैसे होते भी होंगे तो आ, कर रहे गवर्नमेंट अप्रोच गाँव गाँव तक पहुँचने के लिए तो ऑलरेडी आप इस पर अगर अप्लाई करके रखेंगे तो फ्यूचर में जब भी कहीं आपके नियरेस्ट खुलेगा आपको वो जॉब ऑफर लेटर सबसे पहले मिलेगी अगर इधर नहीं तो जहाँ जहाँ फिलहाल ओपनिंग होगी वहाँ का आपको ऑफर लेटर मिलेगा वेदर आपको ज्वाइन करने नहीं आपकी चॉइस है ये पोर्टल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बस आपको करना क्या है कि आपके नियरेस्ट सी एस सेंटर जाना है जहाँ पे आपका कॉमन सर्विस सेंटर होगा वहाँ जाना है तो आपके जो वो ऑपरेटरों के सी एस वाले उनको बताना है कि मुझे इसके लिए अप्लाई करना है ठीक है जी ये थी तीसरी ओपनिंग अब हम फोर्थ की बात करते हैं ये डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जैसे हम सब जानते हैं कि आजकल लोग अपने घरों में ही सारा खाना मंगवाते हैं कुछ भी उनको डिलीवरी हो गया फॉर एग्जाम्पल कोरियर हो गया जैसे हम डोमिनोज uh, की बात करते हैं पिज्जा पिज़्जा हट की बात करते हैं लोग अपने घरों से ऑर्डर करके पिज़्ज़ा कोई भी चीज़ डिलीवरी मंगाते तो उनके लिए एक डिलीवरी एजेंट चाहिए डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए उसकी ओपनिंग खोली है जो तो डिफरेंट वेंडर्स हैं उन्होंने सी पोर्टल के साथ कोलाबरेट करके अपनी वैकेंसीज इधर शो किए तो उन्होंने, उन्होंने फर्दर आके एडवर्टाइज़ किए सी ग्रामीण नौकरी पोर्टल पर तो सो दैट के लोग इधर से फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन करें दूसरी तरह ने जो प्राइवेट वेंडर्स सरकारी एजेंट्स होते हैं उन पर आपको क्या करना होता है प्राइवेट एजेंट्स के पास आपको उन उनपे अपना रिज्यूम अपलोड करना होता है फिर वो उन एक फ्री होता है तो एक पेड होता है फ्री में तो वो बहुत कम मिलते हैं तो पेड करोगे तो आपका रेज़्यूम इधर उधर पोस्ट करके वो आपको कुछ जो जॉब्स का ऑफर दिला सकते हैं बट उनको पेमेंट करनी पड़ती है तो इधर का बेनिफिट यह कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके लिए कन्वीनियंट यह कि आपके गांव गांव में वी होते हैं आप उनके पास जाकर रजिस्टर कर सकते हैं जनाब ठीक है हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव यह भी डिफरेंट uh, ब्रांडर जो भी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूटिव होते हैं जैसे फॉर एक्जाम्पल कोई कॉल सेंटर में हो गया या किसी प्राइवेट कंपनीज में कस्टमर सपोर्ट फॉर एक्जाम्पल वीकलिड्स की बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं या कोई भी ऐसा ब्रांड जिसको अपना कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव चाहिए आप कोई अगर uh, किसी ने नया शोरूम खोलाया तो ये सब कुछ सी एस सी पोर्टल के साथ वो लिंकअप करके अपनी वैकेंसी शो करते हैं तो सी एस सी वाले इधर से जो सी एस सी सें पोर्टल है डिजिटल सेवा पोर्टल वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो इस पे सभी इनके साथ लिंकअप हो रहे हैं तो अपनी वैकेंसीज इधर शो करते हैं तो पोर्टल पे ये अपनी ओपनिंग शो कर रहे हैं तो आप सबको करना है क्या कि अपने नीरस्त सी एस सी के अंदर जाकर रजिस्टर करना है अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसकी एलिजिबिलिटी भी कुछ ज़्यादा नहीं आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई इधर लिखा भी है टेंथ ट्वेल्थ भी जा सकते हैं बस आपको स्किल्ड होना चाहिए अपनी आपको एक्सप्रेशन आपके अच्छे होने चाहिए आपको बोलने का तरीका आपके वे ऑफ टॉकिंग वे ऑफ बिहेवियर कस्टमर्स को अगर ऐसे डील करो सब कुछ आपके पास हो तो आपकी ट्वेल्थ ट्वेल्थ इज इनफ आप अपलाई कर सकते हैं होना तो ग्रेजुएट uh, अच्छा होगा ग्रेजुएट होंगे बट ट्वेल्थ वाला भी अप्लाई कर सकता है ठीक है हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे कि बैंक में हो गया इंश्योरेंस uh, कंपनीज में होगी तो इधर फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है किसी प्राइवेट कंपनीज में फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है जहाँ पे वो कस्टमर्स को एडवाइज करते हैं अपना जो पैसा किस किस जगह पे इन्वेस्टमेंट है जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है वो कंपनी में ऐसे फाइनेंशियल एडवाइज़र की पोस्ट होती है ठीक है जी तो वो भी सब कोलैबोरेट कर रहे हैं सी एस सी डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ तो यहाँ पे आपने विकास शो किया तो इधर इन एज ए करंट ओपनिंग्स में इसको भी डाल दिया फाइनेंशियल एडवाइज़र इसके लिए आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट चाहिए ठीक है और साथ में इसकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा ट्वेंटी फाइव थाउजेंडी सिक्सटी अप टू सिक्सटी थाउजेंड तक आप आ, पर मंथ सैलरी ले सकते हैं ये एज़ पर योर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स अगर आपका एक्सपीरियंस है आपके एक दो साल का एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छा थर्टी थर्टी फाइव थाउजेंड से ऊपर ही पैकेज मिलेगा अगर आप फ्रेशर स्टार्ट करो तो आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक ही मिलेगा ठीक है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे ग्रेजुएट जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें अपने सभी सी ए सी एस सी वी को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सी के अंदर के बाद बाहर ये पोस्टर लगाएं ताकि सो दैट कि आपके जब भी कोई सी सेंटर्स के पास से कोई गुजरे कोई अनएम्प्लॉयड यूथ गुजरे तो उसको अवेयर हो होकर ये ओपनिंग्स ऐसी भी होती हैं हम इधर भी अप्लाई कर सकते हैं सो so दैट कि उनकी हेल्प हो जाए उनको अगर कोई अच्छी सी जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छा बात बहुत अच्छी बात है इस पर वियली हमारे वियली भाइयों का बहुत बेनिफिट है आ, उनको एक रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फ्री है कोई भी किसी भी व्यक्ति से आपको पैसे नहीं लेने बट आपको कमीशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से फिफ्टी रुपीज़ पर रजिस्ट्रेशन और एट हंड्रेड रुपीज़ आपको मिलेंगे जब उसको आ, वो ज्वाइन कर लेगा उस जो उसको जॉब मिलेगी ऑफर लेटर मिलेगी उस पर अगर वो ज्वाइन करेगा आफ्टर थर्टी डेज आपके अकाउंट में एट हंड्रेड रुपीज़ एज पर कमीशन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे वीएली भाइयों के अकाउंट में ठीक है अब नेक्स्ट हम ओपनिंग की बात करते हैं डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव जैसे हमारे कुरियर एजेंट्स होते हैं कुरियर बॉय होते हैं जो हमारा पैकेज घर पे डिलीवरी करते हैं मींत्रा फ्लिपकार्ट एमेज़ॉन्स की डिलीवरीज आती है तो हमारे घर में करते हैं वो जो भी अब ये जो लॉजिस्टिक्स जो कंपनीज आती हैं अब इनको भी एग्जीक्यूटिव से ही आगे तो उन्होंने भी कलेबरेट करके सी को दे दिया कि जी आप हमें क्या करें कि जो भी अप्लाई करता है आपके थ्रू हमें आ, ला के दें जो भी आ, लोग ला के दें जो हमारे साथ काम करें लोगों को ऑफर करें हमारी तरफ से इतनी वैकेंसीज वो शो करते हैं तो सी एस सी को बोला कि आप अप्लाई करवाएं आप एज ए वेंडर काम करें हमारे बीच एज ए मिडल मैन काम करें फ्री ऑफ कॉस्ट सो दैट के हम ग्रॉस रूट रूट लेवल से लोगों को एम्पावर कर सकते हैं विलेज लेवल के लो, से लोगों को हम एम्पावर कर सकें ठीक है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल इंटरप्रेनर्स की इसके लिए भी टेन थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सैलरी पैकेज है ये भी सी एस सी के साथ ही को लेबरेट करके इस इंटरप्राइनिस की डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे सकते हैं आप इधर से जाकर पहले आपको ट्रेनिंग है उसके बाद आप विलेज लेवल तक आप दे सकते हो आपको इधर से भी इसका बेनिफिट ये कि आपको इधर से भी गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी भी मिलेगी बट आपको प्लस uh, इंसेंटिवस भी मिलेगी एज़ पर per आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो सब कुछ मिलेगा आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा टेन थाउजेंड से शुरू हो तो आप टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक जाती है एज़ पर योर एक्सपीरियंस अगर आप एक्सपीरियंस है इस डिजिटल इंटरप्रीन में आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आपको आपकी जॉब डन आपकी नौकरी डन है आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज एक महीने का मिल सकता है ठीक है जी उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इस पर भी आ, बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं जैसे हम आ, सिर्फ एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे डिफरेंट uh, शोरूम्स uh, होते हैं गाड़ियों के जैसे टाटा का हो गया महिंद्रा का हो गया ह्यूड्राई का हो गया uh, मारुति सुजुकी का हो गया ठीक है इन पे सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए मार्केटिंग मैनेजर चाहिए इन पे चाहिए और प्राइवेट बैंक्स में भी सेल एग्जीक्यूटिव से जो बैंक के प्रोडक्ट्स बेचते हैं अब जितने प्राइवेट कंपनी होती है उनको अपना सेल एग्जीक्यूटिव चाहिए तो उन्होंने भी कोलेबरेट uh, किया सी एस सी ने एक्चुअली विलेज लेवल से लोगों को इम्पावर करने का जो बीड़ा उठाया उसके ज़रिए से अब ये पूरे इंडिया में छवि अच्छा बना के रखती है अब जितने भी प्राइवेट कंपनी है वो अपनी एक नज़र सी एस सी पोर्टल पर भी डालते हैं कि हमें इधर से भी अच्छे एग्जीक्यूटिव मिल सकते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे गांव में ऐसे ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ्स होते हैं जिनके अंदर बहुत स्किल्स होते हैं बट उनको अवेयरनेस नहीं होती कि हमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ जॉब अप्लाई करनी है तो सी एस सी पोर्टल एक ऐसा फ्रेंडली पोर्टल बना है उसने ऐसे जो ग्रामीण नौकरी का पोर्टल है बिल्कुल फ्रेंडली है हर एक इंसान ईजली ऑपरेट कर सकता है उस पर पूरी डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है अब किसी को भी गाइड करके इस पोर्टल के ज़रिए से उसको नौकरी दिला सकते हैं और अपना अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं और उसका भी बहुत सारा मतलब उसका जैसे हम बोलते हैं ना समाज सेवा सोशल सर्विस उस ब, उस बेचारे को नौकरी मिल जाएगी तो उसका भी भला हो जाएगा तो आपका भी भला ठीक आप रूट लेवल पे आपका सीएससी बनने का मकसद भी यही है कि आप विलेज सी वी बनने का मकसद ये है सॉरी विलेज बनने का विले, वियली बनने का भी मकसद आपका ये है कि आप ग्रॉस रूट लेवल तक लोगों लोगों लो तक सारी सर्विसेज पहुँचाएँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी हैं और लोगों को इंपावर करें जो गाँव में बेचारे होते हैं बहुत स्किलफुल हो लोग होते हैं उनको अवेयरनेस नहीं होती इन चीज़ों की तो उन तक ये सारी सर्विस पहुँचनी चाहिए यह मिशन है गवर्नमेंट का तो आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप सही काम करें जैसे कि आपने के अंदर खोल के रखें आपका बेनिफिट पे लोगों को अवेयर करें बहुत सारा हब है सीएससी मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया कि सीएससी बहुत बड़ा बिज़नेस है बहुत बड़ा हब हाँ है आप इसको लाइफ लेना है आप इसको अच्छे से सीरीज करके काम करें इसको फुल टाइम एज़ ए प्रोफेशन काम करें तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अपने गाँव में अपना नाम कमा सकते हैं जब आप किसी गाँव के अगर पचास साठ अनएम्प्लॉयड यूथ लड़के लड़कियां अगर नौकरी ले लेती हों अपना रोज़गार अपने पाँव पे स्टैंड हो जाते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो उसके कितना एटमॉस्फेयर बढ़ेगा वहाँ का वहाँ के लोग कितने इम्पावर होंगे वो अल्टीमेटली सारी प्रेयर्स आपको मिलेंगी सारी प्रेज आपको मिलेंगी तो आप बहुत अच्छा बिजनेस भी कर पाएंगे आप अच्छा नाम कमा पाएंगे तो यही सबसे बड़ी एक यूनिक आइडेंटिटी एक एंट्रप्रेनर की कि वो अपना नाम कमाता है अपना बिजनेस से आपकी सर्विस से ठीक है दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे कि इन पर रजिस्टर कैसे किया जाए ठीक है ये सी एस सी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल है हमें ऐसे लॉग इन पोर्टल जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो लॉग इन पोर्टल हम एज ए वियली लॉग इन करेंगे ठीक है कोई भी यूज़र वियली लॉग इन करेंगे तो हम आ, सीधा रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर चले जाएंगे ये कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन पोर्टल इसका आएगा यहाँ से आप जितने भी कोई भी आता है आपका जॉब सीकर आप उसको इधर से रजिस्टर कर सकते हैं ठीक है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ ऐसा खुल के आएगा आपको सबसे पहले करना है कि आपने पर्सनल डिटेल्स डालनी है ठीक है मिडिल नेम नाम नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम फिर जेंडर डालना है डेट ऑफ बर्थ मेडर बिल्कुल फ्रेंडली पोर्टल है ईजिली कोई भी फॉर्म ये फिलअप कर सकता है अपने रेलिजन डालना है ठीक है अपना एड्रेस परमानेंट एड्रेस आपकी एजुकेशन स्किल्स इस पर आए, अब आएगा अब, अब नाइन्थ क्लास से लेके पी डिप्लोमा तक सोचो जो कितने सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी इधर से मिलेगी जो जो आप नाइन्थ क्लास तक ही पढ़ सके उसके लिए भी हैं जो आ, आई टी आई पी एच डी पोस्ट ग्रेजुएट अब आता आस्ता जितने भी प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट कॉलेज आसा आते कोलेबोरेट होंगे सी एस सी के साथ तो हर एक टाइप की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं अब आता आस्ता जो भी गवर्नमेंट की भी जितनी रिक्रूटमेंट्स uh, होंगी वो भी आता आई थिंक इसी के साथ कोलेबोरेट होंगी देखो इतने का फ्रेंडली एज ए कंसल्टेंसी के हिसाब से काम कर रहा है तो इस पर नाइन्थ uh, टेंथ अलेवन्थ ट्वेल्थ डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जिसको बोलते ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पी एच डी जो uh, स्कूलिंग जो नहीं भी पढ़ा बिल्कुल जो इलिटरेट है उसके लिए भी है नो no स्कूलिंग पे जाके उस स्वीपर वीपर के उसको जॉब मिल जाएगी इधर से जितने भी हमारे कितने प्राइवेट बैंक्स होते हैं गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं प्राइवेट कंपनीज जितनी अपना अपना प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें जो भी एज ए स्वीपर जो फोर्थ क्लास की जॉब्स होती है तो जो अनपढ़ लोग इलिटरेट हैं उनको भी आराम से जॉब यहाँ से मिल सकती है बस करना क्या है कि आपने नी रेस्ट सी एस सी सेंटर जाना है और वहाँ जो भी वी एल एगे उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे ये फॉर्म भर दो कोई भी मेरा मेरी रजिस्ट्रेशन कर दो इस पोर्टल पे सो so दैट कि कभी भी कोई उसके आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से कोई भी जॉब आएगी तो आपको उसका ऑफर मिल जाएगा आपको कॉल आएगी थ्रू ईमेल थ्रू कॉल और विद द हेल्प ऑफ योर जो वी आपको कॉन्टैक्ट करके आप तो, आपको बता सकते हैं अगर आप इतने स्किलफुल नहीं है आपने बस सी के अंदर जाना है और वी के पास जाना है और सभी वी एल ईज से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो so दैट कि आपके गांव विलेज जहाँ तक मेरी वीडियोज़ आएंगे लोग अवेयर होंगे तो आपके पास आएंगे आप आराम से रजिस्ट्रेशन करें अच्छा खासा बिज़नेस कमाएँ और बहुत मेहनत करके काम करें लोगों को अवेयर करें सबसे बड़ी बात मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से जितने भी गवर्नमेंट स्कीम स्कीम्स हैं उन सब का बेनिफिट आपके गाँव विलेज जितने भी गरीब गरीब लोग हैं सब तक पहुँचाएँ सो दैट कि हर एक बंदा इंपावर हो रूट लेवल तक ठीक है हमारी ड्यूटी यही है एजुकेशन उसके बाद है स्किल्ड कैटेगरीज में स्किल्ड हैं अनस्किल्ड हैं ठीक है सेमी स्किल्ड हैं वर्क एक्सपीरियंस पूछेंगे फ्रेशर हैं एक्सपीरियंस है टोटल एक्सपीरियंस जॉब रोल कितनी जॉब्स हैं ऑटोमोबाइल सर्विसेज मैंने पहले ही आपको बोला जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे ऑटोमोबाइल सर्विसेज हैं बैंक की सर्विस है ठीक है बारबर है ब्यूटिशियस ब्रॉडबैंड टेक्नीशियन कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव केयर टेकर और नर्सिंग असिस्टेंट कारपेंटर ठीक है सी एन सी ऑपरेटर कॉबलर जिसको जो फुटवेयर का काम करते हैं जो हमारे जूते वूते तो सीलते हैं ठीक है कुक शेफ़ कस्टमर रिलेशनशिप्स डेटा एंट्री ऑपरेटर डिलीवरी एसोसिएट आप अपनी स्क्रीन पे सब कुछ देख रहे हैं मैं एक एक करके बता रहा हूँ डिजिटल कैडेट्स ड्राइवर डी टी एच सेट सेटअप बॉक्स इंस्टॉलेशन और सर्विस टेक्नीशियन देखो कितनी अच्छी जॉब इधर आके इन इस पोर्टल पर जो हमारे आ, कुछ ऐसे एलेक्ट्रिशियन आई टी आई डिप्लोमा करके घूम रहे होते हैं हमारे गाँव में लड़के इधर उधर तो उन सब के लिए अच्छी सर्विस इधर पोर्टल पर रजिस्टर करें जैसे सेटअप सेटअपक डिफरेंट दो भी डीटी एस सर्विस डिश सर्विस हैं वो टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं उनके पास बहुत कमी होती है टेक्नीशियंस की क्योंकि जब भी आप किसी भी नीरेस्ट शॉप पे जाएंगे कोई ऐसी सर्विस खरीदने के लिए तो आपको एक हफ्ते का पंद्रह दिन का टाइम देते हैं क्योंकि उनके पास टेक्नीशियन की बहुत कमी कमी होती है डिफिशेंसी होती है इसीलिए अगर बहुत सारे हर एक गाँव विलेज से कोई टेक्नीशियन रजिस्टर करेगा तो जब भी इन फ्यूचर कोई भी डिश सर्विस आपके गाँव से कोई खरीदेगा तो डायरेक्ट आपको कॉल आएगी आप जाके उसके घर इंस्टॉल करके अपना कमीशन ले सकते हैं कितनी अच्छी बात है आपने गाँव गाँव तक ये सारी सर्विस ले सकते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिशियन ये सारी सर्विस आप इधर से अप्लाई कर सकते हैं तो फिलहाल करना क्या है कि सब कुछ भर के तो आपको इधर से रजिस्टर करना है रजिस्टर करके आपके जो कस्टमर होंगे उनके फ़ोन पे सारी डिटेल चल जाएगी होगा क्या उनका सारा जो फ़ोन नंबर उनका डेटा सारा इस पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगा इन फ्यूचर जब भी कभी जॉब ओपनिंग होगी तो उनको ऑफर लेटर जाएगी उनके फ़ोन पर मैसेजेस जाएंगे सो so दैट कोई भी करप्शन uh, नहीं होगी जैसे दूसरे पे क्या होता है कि uh, जिसको अगर जॉब मिली किसी ने ज़्यादा पैसे दे दिए तो उसको दिला दी स्किल्स पे कोई नहीं ध्यान देता आजकल पैसों का दौर है जनाब जिसके पास पैसा उसी जिसकी लाठी उसकी बहस चलती है तो सी पोर्टल पे बहुत अच्छा है किसी को कोई करप्शन नहीं है किसी को कोई पैसे देना अपना बस अपना सारी डिटेल रजिस्टर करनी है तो पर्सनली आपको ही डायरेक्ट कंपनी कॉन्टैक्ट करेंगे अगर आपको जो ऑफर लेटर फिर प्रोवाइड होगा तो आपको अगर ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना आपकी चॉइस है ठीक है ये सब कुछ सारी सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको करना क्या बस नियरस्ट सी एस सी सेंटर जाना है तो जाके ख़ुद को रजिस्टर करना है ठीक है ये सारी फिलहाल ये जो करंट ओपनिंग्स में एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह अभी जो करंट ओपनिंग्स में है इसमें मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ रिटेल सेल्स एसोसिएट है ठीक है जो सेल्स में जाते हैं फिर फार्मेसी असिस्टेंट है फिर स्विंग मशीन ऑपरेटर है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है फाइनेंशियल एडवाइजर है ठीक है डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव है डिजिटल इंटरप्रेनर है सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है ठीक है फ्रंट ऑफिस एंड ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव टेलीकॉलर्स बहुत सारी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें कोई भी कोई भी इनजस्टिस नहीं आप कोई भी आप फीमेल है मेल है कोई भी अप्लाई कर सकता है और बहुत आ, अच्छा सारा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इससे पहले हम सुनते थे कि हमें एक चंडीगढ़ जाना जी हमें दिल्ली जाना जी हमें फ़लानी जगह जो प्राइवेट कंपनीज़ के पास काम करना तो अब आपके नीरेस्ट अपने गाँव गाँव में ये खुलने वाले जैसे स्विंग मशीन ऑपरेटर स्विंग मशीन के पूरे सेंटर्स गाँव में खुलने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खोलने वाली है सो दैट के जो गाँव विलेज लेवल तक को जो हमारी अनएम्प्लॉयड यूथ्स जिसमें लड़कियाँ भी आते हैं लड़के भी आते हैं जो किसी ना किसी कारण से घर से बाहर नहीं जा सकते तो उनके अपने गाँव विलेज पंचायत में यहाँ खुलेंगे इधर से जैसे हैं, हैंडी क्राफ्ट हैंडलूम के सेंटर्स होते हैं कश्मीर में होते हैं थ्रो आउट इंडिया अक्रॉस अलग अलग जगह पर फैक्ट्रीज हैं जो इस साउथ साइड की स्टेट्स हैं उनके हर एक गाँव विलेज में जो हमारे कपड़े बन के आते हैं जो भी ये हैंडलूम्स का प्रोडक्ट तो कुछ कुछ लोग घर से काम करते हैं तो अब घर के हर पंचायत में ये सेंटर्स खोलेंगे जहाँ पे लोगों को इम्पावर कर रहे हैं ग्रॉस रूट लेवल तक एम्पावर करेंगे लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है तो आप सब लोग आ, इस पोर्टल पर रजिस्टर करें वियरली बाई भी रजिस्टर कर सकते हैं उनको भी अगर अच्छी हाँसी कहीं से जॉब मिल सके ऐसे कर सकते हैं वैसे तो आपको जरूरत नहीं आप यही बिज़नेस हब हाँ बहुत अच्छा आपका बस ड्यूटी या प्राइमरी ड्यूटी है। अगर आपने वियरली बने तो आप अपना ड्यूटी ईमानदारी से निभाएं अच्छे से काम करें जो भी गवर्नमेंट की सर्विस है अभी फ़िलहाल प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य स्कीम है उस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सब कुछ तो बहुत अच्छे से इस पर भी रजिस्टर करें लोगों को सो so दैट कि अगर आपके पास वो कोई आ रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम सेहत स्कीम के अकॉर्डिंगली कोई इंश्योरेंस की स्कीम पर रजिस्टर करने आ रहा हैं तो आप साथ साथ लोगों को ये भी बताएं इस पर भी रजिस्टर करें लोगों को सो so दैट कि आपका भी बेनिफिट और लोगों का भी बेनिफिट दोस्तों आज के एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बने रहे मेरे साथ मिरहहा नेटवर्क्स पे मुझे दे दीजिए इजाजत सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को सो दैट के आने वाले जितने भी मेरे नेसेसरी बहुत ज़रूरी अपडेट्स में हर एक सर्विस पे वीडियोस बनाने वाला हूँ बहुत अच्छे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ सपोर्ट करें सो so दैट कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ तो आज के लिए दे, दे दीजिए इजाज़त शब हर जय हिंद